फिर आप सभी का स्वागत है। कुछ और खबरों की तरफ रुख करते हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जहां 800 के पार पहुंच गया है, वहीं अकेले जयपुर में ही कोरोना के 340 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में राजधानी के रामगंज और परकोटे में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए भीलवाड़ा मॉडल लागू किया गया था, लेकिन भीलवाड़ा और जयपुर में जनसंख्या घनत्व समेत अन्य कई ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल अलग हैं। जयपुर में भीलवाड़ा मॉडल इस वजह से फेल साबित हुआ है और ऐसे में अब पुलिस प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए परकोटा इलाके के लिए नई रणनीति तैयार कर सख्ती बढ़ाने की तैयारी की है। देश में कोरोना का कहर जारी है। राजधानी जयपुर में कोरोना 300 से ज्यादा आंकड़े सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि चिकित्सा महकमे की ओर से राजधानी जयपुर में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आने के बाद भीलवाड़ा मॉडल लागू करने की बात कही गई थी। भीलवाड़ा मॉडल की तर्ज पर ही परकोटे इलाके में सख्त कर्फ्यू लगाया गया था, साथ ही घर घर सैंपलिंग का काम भी शुरू किया गया था, लेकिन उसके बावजूद राजधानी में आंकड़ा 340 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में अब चिकित्सा महकमे का भीलवाड़ा मॉडल भी फेल होता नजर आ रहा है। एक बार फिर चिकित्सा महकमे ने परकोटे और रामगंज इलाके में कोरोना संक्रमण को थामने के लिए नई रणनीति तैयार की है। ऐसे में इस नई रणनीति के तहत पुलिस प्रशासन की सख्ती और की जाएगी, साथ ही लोगों को घरों से बाहर निकलने पर अब पूरी तरह सख्ती की जाएगी। घर घर सैंपलिंग कर जल्द लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, जिससे संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। ऐसे में माना जा सकता है कि भीलवाड़ा मॉडल के फेल होने के बाद चिकित्सा महकमे की नई